हेलो फ्रेंड्स, मैसर प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर डिस्कस ऑन यूनिट 3 ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट विच नेम इज ट्रैफिक रेगुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन चैप्टर। सो फ्रेंड, एज पर सिलेबस ऑफ GTU यूनिट 3 ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन, वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर अबाउट traffic sign and types of traffic sign. In this unit, lecture number 1, we are discuss on traffic sign and types of traffic sign, regulatory, mandatory and warning sign. And in our second lecture, we are discuss on route marking, lane marking and various width of the standard as per IRC. And also discuss on types of signal and traffic signal and criteria providing for traffic signal with necessity एंड मेथड ऑफ डिजाइनिंग ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। सो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी हमारे जो पिछले दो एक या दो लेक्चर थे इनमें ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज के लेक्चर में, आज ये जो लेक्चर है वो यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के बारे में बात करेंगे और ट्रैफिक आइसलैंड और इंटरसेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के साथ। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि कौन कौन से ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, या तो कौन कौन की कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रैफिक रेगुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम इन सब चीज़ों को एज अ कंट्रोल डिवाइस यूज़ करें तो हमारा जो ट्रैफिक ऑपरेशन और ट्रैफिक वो हमारा रेगुलर लाइफ में ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उनमें से एक है साइन, जिसमें हमने रेगुलेटरी वार्निंग और इंफॉर्मेशन साइन के बारे में बात की थी। दूसरी चीज़ है मार्किंग, जो ऑलरेडी पेमेंट पे, कर्व पे या तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो मार्किंग है, ठीक है, तो वो मार्किंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। तीसरी चीज़ है सिग्नल के बारे में, तो सिग्नल के बारे में हमने फिक्स टाइम और मैन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल के बारे में बात की थी कि कौन कौन से फिक्स सिग्नल है और कौन कौन से सिग्नल है जो मैन्युअली ऑपरेट होते हैं। उसके साथ साथ ट्रैफिक एक्यूटेड और पेडेस्ट्रियन एंड स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। तो आज कुछ बात करते हैं आइसलैंड के बारे में, जिसमें डिविजनल चैनलाइज और पेडेस्ट्रियन लोडिंग और रोटरी लोडिंग के हिसाब से कौन कौन से आइसलैंड है जो हमको प्रोवाइड करने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपना जो ट्रैफिक कंट्रोल है या जो ट्रैफिक फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सके और उसको हम रेगुलरली एक ही स्ट्रीम में ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको हम रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके। सो बिफोर स्टार्ट दिस अवर टॉपिक, वी आर डिस्कस ऑन अवर प्रीवियस सम टॉपिक लाइक ट्रैफिक साइन एंड ट्रैफिक सिग्नल। तो ट्रैफिक साइन में हमने रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन, वार्निंग, कॉशनरी साइन और इन्फॉर्मेटिव साइन के बारे में बात की थी, जो GTU के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रैफिक रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन है जो हम यूज़ करते हैं और जो हम देखते हैं, तो उनमें से ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम रेगुलर लाइफ में देखते हैं, जो रेगुलेटरी और वार्निंग साइन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब ये सब दिया हुआ है जो हम ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए और यूज़ करते हैं, जिसमें स्टॉप साइन है, कि वह है, लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, ठीक है, और स्पीड लिमिट है, पार्किंग परमिटेड एरिया है, एंड ऑफ द स्पीड लिमिट है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे साइकिलिंग के लिए जो मार्किंग और रेगुलेटरी साइन दिए जाते हैं, जो जिसके थ्रू हम रेगुलेट कर सकते हैं ट्रैफिक को। कुछ इन्फॉर्मेटिव साइन भी है जो हमको रेगुलर रूट पे इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके थ्रू हम वहाँ पे हमारा जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट है वहाँ से हम पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल या तो फर्स्ट बोर्ड, ये सब जगह पे जा सकते हैं और इजीली हमको इन सब की चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेटरी साइन है जो रेगुलर यूज़ कर। कुछ बातें हमने रोड मार्किंग के बारे में भी कही थी। तो रोड मार्किंग बेसिकली क्या है कि मार्किंग ऑन द रोड ऑफ कैरिज वे एंड ऑन द ऑब्जेक्ट विद इन अन एंट्रेंस टू द रोड आर यूज एज मीन ऑफ गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द ट्रैफिक। तो बेसिकली ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियन को और अदर कंडीशन में अगर इसको कंट्रोल करना है और गाइड करना है तो बहुत सारे रोड मार्किंग है जिसके थ्रू हम लॉन्जिट्यूडनल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन को इंडिकेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे रोड मार्किंग में से हमने लेन लाइन, बैरियर लाइन, सेपरेशन लाइन, गाइड लाइन, कंटिन्यूटी लाइन, एज लाइन और सेंटर लाइन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पे हम इमेज में भी पेडेस्ट्रियन मार्किंग भी देख सकते हैं और किस हिसाब से ये अटेंड होता है वो भी हम देख सकते हैं।
और उसके अलावा ट्रांसफर लाइंस में है जो भी स्टॉप लाइन है, होल्डिंग लाइन है और जेब्रा क्रॉसिंग लाइन है और अदर मार्किंग है जिसमें जी टर्न लाइन है, गिव अवे लाइन है और पार्किंग कंट्रोल लाइन है, ये सब लाइन और ये सब मार्किंग भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और ये हम रेगुलर लाइफ में हम मार्किंग के हिसाब से और कोई और साइन और सिग्नल के हिसाब से हमारा ट्रैफिक है वो रेगुलेट करते हैं, गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बात की जाए तो सिग्नल इज अ डिवाइस प्रोवाइडेड एट द इंटरसेक्शन कंट्रोल द ट्रैफिक। हमने बहुत सारे इंटरसेक्शन पे ऐसा कंट्रोलिंग डिवाइस देखा है ऑलरेडी और बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑपरेटेड ट्रैफिक सिग्नल जो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से टाइप्स ऑफ सिग्नल में हम बात करें तो उसमें से है फिक्स टाइम सिग्नल, दूसरा है व्हीकल एक्यूटेड सिग्नल, तीसरा है पेडेस्ट्रियन सिग्नल, फ्लैशिंग सिग्नल और बस प्रायोरिटी सिग्नल। तो ये सब सिग्नल्स है जो हम ऑलरेडी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, उसके बारे में। तो ये सब हम सिग्नल भी देखते हैं। इसके अलावा हम आज बात करते हैं वेरियस इंटरसेक्शन और आइसलैंड की। तो पहली चीज़ है इंटरसेक्शन क्या है और आइसलैंड क्या है। तो बेसिकली हम जिस हाईवे या रोड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आगे जाके कोई ना कोई जंक्शन आएगा या कोई ना कोई पॉइंट आएगा, वहाँ से रोड है वो आपका डाइवर्ट होगा, वहाँ पे डेविएशन होगा और अदर रोड रोड को कनेक्टेड करेगा। जहाँ जहाँ भी ये कनेक्शन है तो वो हम उन सब कनेक्शन को इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। टेक्निकल टर्म में बोले तो अन इंटरसेक्शन इज अ जंक्शन ऑन अ रोड वेयर टू और मोर रोड आइदर मीट और क्रॉस एट अ एंगल। दो से ज़्यादा रोड अगर एक ही पॉइंट पे क्रॉस हो रहे या तो एक ही ग्रेड पे मिल रहे हैं तो वो पॉइंट को हम इंटरसेक्शन बोल सकते हैं या तो जंक्शन बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन में भी थ्री लेग्स, फोर लेग्स, फाइव लेग्स एज पर द नंबर ऑफ द रोड मीट एट द पर्टिकुलर जंक्शन, कि कौन कौन से रोड पे डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से पर्टिकुलर जंक्शन के हिसाब से अलग अलग टाइप के इंटरसेक्शन हमको मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात है ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में। ट्रैफिक आइसलैंड क्या है कि इंटरचेंजेस है एक्चुअली, जो हम उसको इंटरचेंजेस भी बोल सकते हैं, आइसलैंड भी बोल सकते हैं। तो ट्रैफिक इंटरचेंजेस इज अ गाइड अ सेपरेटेड इंटरसेक्शन विद अ कनेक्टिंग रोडवे फॉर टर्निंग ट्रैफिक बिटवीन द हाईवे अप्रोचेस। हमने बहुत सारी जगह पे देखा है कि जहाँ पे इंटरसेक्शन आता है या तो हमारा जो हाईवे है वो डिवाइडेड हाईवे होता है, जिसको जो हम बीच का पोर्शन है उसको हम जो डिवाइडेड हाईवे है उस भी बोल सकते हैं। तो जिसके थ्रू हमारा जो लेन है, ट्रैफिक लेन है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं और ट्रैफिक को डिवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी टर्निंग आएगा या तो रेगुलर कोई सर्कल आएगा तो वहाँ पे ऐसे इंटरचेंज दिए जाते हैं जिसके थ्रू हम जहाँ जहाँ भी कनेक्टिविटी है रोडवेज की उसके थ्रू हम एक रोड से दूसरे रोड तक या जो कनेक्शन है या तो कोई पॉइंट पे या जंक्शन पे हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे अप्रोचेस यहाँ पे दिए जाते हैं जिसको हम इंटरचेंजेस या इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरचेंज की बात करें तो उनमें से फर्स्ट टाइप है ट्रम्पेट इंटरचेंज। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि ट्रम्पेट इंटरचेंज किस हिसाब से होता है, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपलेस्ट इंटरचेंज फ्रॉम द एडेप्टेबल टू टी और वाई इंटरसेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो टी या वाई टाइप का जो इंटरसेक्शन है, कोई भी जगह पे टी टाइप या वाई टाइप का इंटरसेक्शन है उसको अडेप्ट करना है, तो उसके लिए हमको ट्रम्पेट टाइप का इंटरचेंज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू हम हैवी ट्रैफिक वाले पोर्शन है या तो हैवी ट्रैफिक स्ट्रीम को है हम रेगुलेट कर सकते हैं और हमारा टाइम बचा सकते हैं। सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल इंटरचेंज इज अ डायमंड इंटरचेंज। ये हमने डायमंड इंटरचेंज भी हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं। तो ये डायमंड इंटरचेंज इज द सिंपलेस्ट ऑफ फोर लेग इंटरचेंज डिजाइन एंड इज सूटेड फॉर मेजर एंड माइनर हाईवे इंटरसेक्शन। तो कोई भी मेजर और माइनर हाईवे इंटरसेक्शन के लिए डायमंड इंटरचेंज हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे डायमंड इंटरचेंज के थ्रू एक इमेज और ग्राफ दिया गया है, तो जो बेसिकली वन टू थ्री और फोर फोर लेग इंटरसेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें क्लवर लिफ्ट इंटरचेंज। तो क्लवर लिफ्ट इंटरचेंज इज अ टिपिकली अ टू लेवल फोर वे इंटरचेंज वेयर ऑल राइट टर्न्स हैंडल बाय द प्रोवाइडिंग रैम्प। तो यहाँ पे बहुत सारे रैम्प दिए गए हैं और रैम्प थ्रू हम
यह यहाँ पे जो लिफ्ट का जैसे पैटर्न होता है, उस लिफ्ट के पैटर्न में यहाँ पे हम इंटरचेंज या रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ होता है। इसकी वजह से हम इस इंटरचेंज को क्लोवर लिफ्ट इंटरचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मर्जिंग डाइवर्जन के साथ रैंप भी दिए हुए होते हैं, जिसके थ्रू हम अपना ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं। और बहुत सारे वे 2 लेवल या 3 लेवल पे अलग अलग वे है, जिसके थ्रू हम अपना एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। फोर्थ टाइप डायरेक्शन इंटरचेंज की बात करें तो डायरेक्शन इंटरचेंज यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरचेंज हैव अ रैंप फॉर अ राइट टर्निंग एंड ट्रैफिक विच फॉलो द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एंड डिजाइन इज मोर एफिशिएंट बट वेरी एक्सपेंसिव। ये जो डायरेक्शनल इंटरचेंज है, पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर रैंप पे, पर्टिकुलर टाइप्स के रैंप के लिए जो राइट टर्निंग को फॉलो करेगा और उसके हिसाब से नेचुरल डायरेक्शन मूवमेंट के लिए डायरेक्शनल इंटरचेंज दिए जाते हैं। ये बहुत ही इफिशियंट है बट एक्सपेंसिव बहुत है। यहाँ पे हम इमेज में डायरेक्शनल इंटरचेंज देख सकते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरचेंज इज अ रोटरी इंटरचेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरचेंजेस है ये, और इसको राउंड अबाउट भी बोल सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डिजाइन इज अ पर्टिकुलरली सुटेबल वेयर द नंबर ऑफ रोड इंटरसेक्ट एट द इंटरचेंज एंड सफिशेंट नेट इज अवेलेबल। इट हैज फॉलोड दिस कैरेक्टरिस्टिक इन यील्ड एंड टायर्स रिक्वायर्ड दैट अ ड्राइवर टू एंटर द राउंड अबाउट मस्ट वेट फॉर अ कैब ट्रैफिक आइसलैंड दैट सेपरेट दिस इंटायर्स ऑफ द राउंड अबाउट फ्रॉम द एक्सिस डिजाइनेटेड क्रॉसिंग एरियाज ऑफ द पेडेस्ट्रियन एंड डिजाइनेटेड स्पीड ऑफ 35 to 40 km/h। सो बेसिकली रोटरी इंटरचेंज में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो यहाँ पे बेसिकली रोटरी इंटरचेंज 35 से 40 km/h के लिए ही डिजाइन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी क्रॉसिंग एरिया और पेडेस्ट्रियन एरिया भी दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जहाँ जहाँ भी हम राउंड अबाउट की बात करें तो बहुत सारे जो ड्राइवर के लिए है राउंड अबाउट क्रॉस करने के लिए, जो और जो एंटायर हेडवे और टाइमवे को भी देखना है तो वो भी सेपरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे राउंड अबाउट के बारे में कुछ दिया गया है जो हम इमेज थ्रू देख सकते हैं। तो ये जो इमेज है वो राउंड अबाउट या तो रोटरी इंटरचेंज की इमेज है, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए स्पेशल यहाँ पे दिया हुआ है मार्किंग। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। तो कुछ बेनिफिट भी है राउंड अबाउट के। राउंड अबाउट बहुत सिंपल डिजाइन है, जितने भी इंटरचेंज है या तो आइसलाइन है उसके लिए। और राउंड अबाउट के बेनिफिट के बारे में बात करें तो राउंड अबाउट कैन हैंडल ट्रैफिक मोर एफिशिएंटली देन ट्रेडिशनल इंटरसेक्शन। कोई भी ट्रेडिशनल इंटरसेक्शन है उससे ज़्यादा ट्रैफिक को अच्छी तरह से हैंडल करता है। दूसरी चीज़, मोर व्हीकल कैन मूव विथ लेस डिले। तो ये जो इंटरचेंज है उसका एक ही पर्पज होता है कि हमारा जो डिले है ट्रैफिक की वजह से, हमारा जो डिले होता है वो कम हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल बहुत ही कम डिले की होता है उसका, और ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तो वन वे ट्रैफिक डिजाइन ऑफ द राउंड अबाउट मेक इट इजियर फॉर अ लार्ज व्हीकल टू टर्न मच सेफर देन द अदर इंटरसेक्शन एंड लेस सर्व क्रेसिस एट द लोअर स्पीड आर गिवन इवन मोर इम्पोर्टेंट टू ओल्डर ड्राइवर एंड इट ड्राइवर्स इन अदर एज ऑफ ग्रुप के। बहुत ही अलग अलग एज ग्रुप के लिए भी ये अच्छे ड्राइवर और क्विक ड्राइवर को भी ये हम देख सकते हैं, और उसको हम ये रोटरी इंटरसेक्शन या राउंड को अच्छी तरह से पैटर्न कर सकते हैं, और या तो यहाँ पे अच्छी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और दूसरा कि बहुत सारे इंटरसेक्शन है उससे भी ये सेफर है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट्स या कंफ्यूजन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। दूसरी चीज, पेडेस्ट्रियन कैन फाइंड दैट द क्रॉसिंग इन अ राउंड अबाउट इज ऑल्सो सेफर। जब भी पेडेस्ट्रियन को अगर क्रॉसिंग फाइंड करना है राउंड अबाउट पे तो वो भी इजीली पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर सकते हैं। इस हिसाब से इसकी डिजाइन होती है। तो ये सब बेनिफिट ऑफ राउंड अबाउट है जो हमने अभी डिस्कस की है। और ये इमेज ऑफ राउंड अबाउट जो हमने देखी तो ये राउंड अबाउट के बारे में है। सो आज के लेक्चर के लिए हमने जो ट्रैफिक रेगुलेशन है उसके बारे में थोड़ा रिफर किया, और ट्रैफिक आइसलैंड और ट्रैफिक इंटरचेंज के बारे में डिस्कस किया।
हमने यूनिट थ्री यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। यूनिट थ्री के बारे में जो हमारे तीन लेक्चर आए उन तीनों लेक्चर में जो हमने ट्रैफिक साइन, सिग्नल मार्किंग और ट्रैफिक आइसलाइन के बारे में डिटेल्स में स्टडी कर लिया है। सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इस सब्जेक्ट में यूनिट नंबर थ्री ट्रैफिक रेगुलेशन में कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो गूगल मीट में जब भी हमारा डिस्कशन हो रहा है तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का कंटेंट खत्म हो रहा है यूनिट थ्री, यहाँ पे उसके साथ साथ यूनिट थ्री भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच।